कॉमेडियन कपिल शर्मा को लेकर हमेशा कोई ना कोई विवाद रहता है। बीते दिनों ही कपिल शर्मा शो के बच्चा यादव यानी कीकू शारदा पर 50 लाख की धोखाधड़ी का आरोप लगा था, लेकिन इस बार आरोप सीधा कपिल शर्मा पर ही लगा है। दरअसल कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर यह खबर आई थी कि पंजाबी फिल्मों के अमिताभ बच्चन कहे जाने वाले सतीश कौल की तबीयत खराब है और वो आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। उनके पास इलाज कराने तक को पैसे नहीं है। इस ट्वीट पर कपिल शर्मा ने रिप्लाई करते हुए सतीश कौल का एड्रेस मांगा था। ऐसा कहा जा रहा था कि कपिल शर्मा ने सतीश कौल की मदद की है, लेकिन पंजाब केसरी को दिए एक इंटरव्यू में जब सतीश कौल से ये पूछा गया कि क्या कपिल शर्मा ने उनकी मदद की, तो इसके जवाब में सतीश कौल ने कहा कि उन्हें कपिल शर्मा की तरफ से कोई मदद नहीं मिली। उनकी मदद पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह और जैकी श्रॉफ ने की। इसके अलावा उनकी मदद को कोई भी एक्टर आगे नहीं आया। सतीश कौल पंजाबी सिनेमा का बड़ा नाम रह चुके हैं, लेकिन इस वक्त वो बदहाली की जिंदगी काट रहे हैं। उनका बेटा अमेरिका में रहता है, लेकिन बाप बेटे के बीच अब रिश्ता खत्म हो चुका है। फिलहाल आपको ये भी बता दें कि कपिल शर्मा की तरफ से कभी भी ये बात नहीं कही गई थी कि उन्होंने सतीश कौल की मदद की है। इस बारे में कई जगह अफवाह थी कि कपिल ने आगे बढ़कर सतीश कौल की मदद की। फिलहाल इसकी सच्चाई क्या है ये सतीश कौल और कपिल शर्मा ही जाने। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में बताइए। टेलीविजन और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।